गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं सिर्फ सुमन पांडे एंड सीजीपीएससी साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। तो प्रिंसिपल पे बेस्ड था, दैट मींस अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो एक पर्टिकुलर एंगल पर, दैट मींस जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो लाइट रे है वो क्या होगी, उसी मीडियम में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स मान लीजिए ये है हमारा नॉर्मल, और अगर लाइट रे ऐसा इंसिडेंट होती है कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, दैट इज आई, तब जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होता है, दैट मीन्स इसको सीधी जाना चाहिए लेकिन वो बेंड हो जाती है। तो अगर ये मीडियम डेंसर है और रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर में जब आती है तब अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। देन उसके बाद अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और आगे बढ़ाया, ज़्यादा हमने कर दिया अगर, तब क्या होगी, एक पर्टिकुलर एंगल पे, सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन इट बिकम्स इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, सपोज इट इज आईसी, तब क्या हो जाएगी, ये ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, दैट मीन्स ये सरफेस को टच करती हुई बाहर निकल आएगी, दैट मीन्स रिफ्रैक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हमने मान लीजिए इससे ज़्यादा एंगल अगर हमने किया, दैट मीन्स व्हेन आई इज ग्रेटर देन आईसी, तब क्या होगा, अब लाइट का जो है रिफ्रैक्शन ना हो करके क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो जितने एंगल से आई थी, आई और आर अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आज हम इस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि क्या है, क्या यूजेस हैं इसके। ओके, तो सबसे पहले जो यूज है वो एक प्रिज्म के फॉर्म में होगा, सारा का सारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसको हम प्रिज्म के थ्रू करेंगे, दैट मीन्स जहाँ हम मिरर का यूज़ करते थे उसकी जगह हम प्रिज्म यूज़ करेंगे। तो जो प्रिज्म होता है उसको समकोण प्रिज्म कहते हैं, दैट इज़ जो कि क्या करेगा, टोटली रिफ्लेक्टिंग रहेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्टिंग और राइट एंगल प्रिज्म। ओके, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है टोटल रिफ्लेक्टिंग, या इसी को हम बोलते हैं और राइट एंगल प्रिज्म, इसमें हम यूज करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये जो प्रिज्म है वो कैसा रहेगा, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा और बाकी जो दो एंगल्स होंगे ये हमारा 90 डिग्री का होगा एक, और जो दूसरे हैं बाकी दोनों को 45 डिग्री के होंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लाइट रेज है उसको हम एक लाइट 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं, दैट मीन्स वन राइट एंगल या फिर टू टाइम्स राइट एंगल से हम उसको टर्न कर सकते हैं। तो ये कैसे टर्न करेंगे, हमको टर्न करने की ज़रूरत क्या है, उसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले जब हम 90 डिग्री से किसी भी लाइट रे को, दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो इसका जो यूज़ है वो पेरिस्कोप में होता है। वैसे ही हम दो बार 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं, एंड देन इरेक्टिंग प्रिज्म के फॉर्म में भी यूज़ होता है, दैट मीन्स जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी सीधी इमेज बनेगी, सीधी डायरेक्शन में रहेगी। तो ये तीन जो एप्लीकेशंस हैं दे आर बेस्ड ऑन टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, या फिर इसी को हम बोलेंगे राइट एंगल प्रिज्म। तो ऐसे प्रिज्म जो है वो ग्लास के ही बने होते हैं, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ ग्लास रहेगा, दैट इज 1.5 रहेगा, और जो क्रिटिकल एंगल है आईसी जो है फॉर ग्लास इट इज 42 डिग्री होता है। क्लियर है, तो जब क्या होगी, लाइट रे जो है वो 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट होगी, तभी क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो उसी पे बेस्ड रहेगा कैसे हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे, टू टाइम्स 90 डिग्री, दो समकोण पर मोड़ना। तो जो पहला है इस पे बेस्ड, दैट इज एक समकोण पर मोड़ना, किसको, प्रकाश किरणों को। तो प्रकाश किरणों को एक समकोण से मोड़ना। ओके, क्या होगा, एक बार हम 90 डिग्री से टर्न करेंगे लाइट रेस को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रिज्म है उसको ऐसा ही रखेंगे, बस आपको समझना है कि ये कैसे 90 डिग्री से रोटेट होगा। ये है 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंगल, आप प्लेन ए बी सी ले लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए जो लाइट रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ऐसा, तो जब किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो सीधी चली जाएगी उसी
डायरेक्शन में आगे सेकेंड मीडियम में एंटर करेगी। तो ये रेयरर है और ये ग्लास है तो डेंसर मीडियम। सो रेयरर से डेंसर में जा रही है और नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगी, सीधी डायरेक्शन में अंदर चली जाएगी ये, तो सेकेंड मीडियम में एंटर कर जाएगी। और जब यहाँ ये एंटर करेगी ऐसा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अब इस सरफेस पे नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल अब ये 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये हमने पूरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ 45 होगा, दैट मीन्स, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 45। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इस केस में, 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल होता है, ओके तो ये एंगल कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये है यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ और फिर यहाँ हमको क्या हो रहा है, हम इस पर नॉर्मल जब इंसिडेंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए दिस इज नॉर्मल, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो बाकी बचा हुआ ये एंगल 45 होगा। अब ये पूरा 90 डिग्री है, सो दैट इज 45 डिग्री, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है कितना है इसके लिए, 42 है। सो 45 इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, देयरफॉर यहाँ पे जो लाइट है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, जितनी एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 45 ही रहेगा, सो दैट इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब लाइट रे जो है इस बीसी सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है तो नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, तो क्या होगा, इसका जो इंसिडेंस है नॉर्मल इंसिडेंस, ये सीधी ही चली जाएगी फिर से सेकेंड मीडियम में, क्लियर है। तो जब ये सीधी जा रही है, कैसे सीधी जा रही है, क्योंकि ये देखिए 45 डिग्री है, देन इट इज 45 डिग्री, तो ये जो है वो 90 डिग्री होगा, तो बाहर चली जाएगी। तो हमने क्या किया, जो भी अगर मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिससे दो रेज जाएगी, ऑब्जेक्ट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कब बना सकते हैं, जब उससे दो रेज जाए, तो मान लीजिए 1 और 2 ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो सेकेंड रे है वो भी वैसे ही नॉर्मली यहाँ से जो AB सरफेस है वहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड देन BC सरफेस से क्या होगी, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है इसलिए वो सीधी चली जाएगी। तो ये वाली जो रे थी 1, यहाँ 1 हुई और ये 2 हुई, तो जो इमेज है ये ऐसी बन रही है, दैट मीन्स ये ऐसी ऑब्जेक्ट थी और इसका इमेज क्या हुआ, 90 डिग्री से रोटेट हो गया। तो जो प्रकाश किरण है उसको हम 90 डिग्री से टर्न करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन था इसका क्या, कि जो भी लाइट रेज हैं, प्रकाश किरणें हैं, उनको 90 डिग्री से रोटेट करना। इसको आप कैसे समझाएंगे, कि मान लीजिए जो भी लाइट रे है वो क्या हो रही है, AC सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, अभी लंबवत आपतन हो रहा है, तो क्या होगी, उसी डायरेक्शन में बिना विचलन के आगे चली जाएगी, और आगे जाके जो AB सरफेस पे जब ये टकराती है तो इसका आपतन कोण 45 डिग्री है, तो ये जो आपतन कोण है वो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से अधिक है, इसीलिए क्या होगा, AB सरफेस से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पर अपूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद क्या होगी, जो लाइट रे है वो BC सरफेस पे फिर से अभिलंबवत आपतित हो रही है, इसीलिए क्या होगी, वो सीधी चली जाएगी बिना किसी विचलन के, आगे चली जाएगी दूसरे मीडियम में, क्लियर है। अब इसके बाद है 2 90 डिग्री से रोटेट करना, मीन्स अगर हम लाइट रे को 2 बार 90 डिग्री से टर्न करेंगे, ठीक, तो सेकेंड है इसी में, सेकेंड प्रिज्म का ही यूज है ये, कि प्रकाश किरणों को 2 समकोण से मोड़ना, ओके 180 डिग्री हम रोटेट कर, 180 नहीं बोलेंगे हम, 90 देन 90, 2 बार ऐसे मुड़ेगी, दैट मीन्स यस ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न हो जाएगा, 2 बार समकोण से मोड़ेंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 90 डिग्री वाला, बस हम थोड़ा सा प्रिज्म को की पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देंगे, ये हमारा 90 डिग्री रहेगा एंड देन ये 45 डिग्री,
ये है 45 डिग्री और ये हमारा 45 डिग्री है, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो मान लीजिए ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ इसका, तब क्या होगी, सेम वैसे सेकेंड मीडियम में बिना डेविएशन के आगे बढ़ेगी, यहाँ जाएगी। अब यहाँ जाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, ये जो आपका है ए बी सी, तो ए सी सरफेस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल 45 डिग्री। अब ये पूरा, क्योंकि हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये पूरा 90 डिग्री रहेगा ये, तो बचा हुआ एंगल कितना 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 45 डिग्री हो रहा है, तो 45 मींस अगेन वो क्या हो गया, ग्रेटर देन आईसी है। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, एंड क्रिटिकल एंगल जो है ग्लास के लिए कितना होता है 42 अगर है, तब क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो फिर से 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो एंगल रहेगा इट इज 45 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये बचा हुआ 45 डिग्री, ये कितना होगा, फिर से 45 डिग्री हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस सरफेस पे, किस पे, बी सी सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये जो नॉर्मल है ये ऐसा, तो देखेंगे नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, ये 45 है, ये पूरा 90 डिग्री, देन ये 45 डिग्री। तो अब क्या होगा, जो लाइट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से क्या हो रहा है 45 डिग्री, दैट मीन्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो फिर से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है इसलिए बाहर निकल जाएगी सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से ये आई थी। ओके, ये आपका 45 डिग्री, तो कैसे होगा, ये भी 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, इसलिए ये 90 डिग्री, तो बाहर आएगी। वैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तब उससे कम से कम दो रेज आनी चाहिए। तो मान लीजिए ये है आपका पहला, एंड देन नॉर्मल इंसिडेंट होगा ऐसा, एंड देन फिर ये ऐसे बाहर आएगी। सो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो क्या हुई, ये 1 हुई इधर और ये हो गई 2, तो क्या होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसा, वो आपका टर्न हो जाएगा 180 डिग्री से। ओके, सेम वैसे ही रहेगा, आप नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, 45 डिग्री आएगा, सेम वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, देयरफॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल टर्न थ्रू 180 डिग्री। ओके, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से टर्न हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ये ऐसे 180 डिग्री से, क्लियर है। तो आपको कैसे समझाना पड़ेगा, सेम कि अगर लाइट रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है ए बी सरफेस पे, तो बिना किसी विचलन के डेविएशन के आगे बढ़ेगी, एंड देन ए सी सरफेस पे जब वो इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 डिग्री, जो कि क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, इसलिए जो लाइट रे है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस सरफेस से। फिर उसके बाद होने के बाद कहाँ जाएगी, स्ट्राइक कहाँ करेगी, बी सी सरफेस पे, तो बी सी सरफेस पे जब फिर इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है, तो जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसलिए फिर से यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्ट होगा 45 डिग्री से। और जब ये ए बी सरफेस पे टकराएगी तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, इसलिए लाइट रे क्या होगी, नॉर्मली उसी डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगी। तो ये है लाइट रेस को 290 डिग्री से टर्न करना। ओके, 180 डिग्री से टर्न करना। नाउ इसके बाद अब हम यूज करेंगे इसको, इरेक्टिंग प्रिज्म के फॉर्म में। ओके, इमेज को सीधी कैसे बनेगी, तो हम इसको बोलते हैं नंबर थर्ड जो है आपका ऊर्ध्व शीर्ष कारी प्रिज्म। इरेक्टिंग प्रिज्म की तरह यूज करना, इरेक्टिंग प्रिज्म की तरह यूज करना। ओके, तो कैसे करेंगे देखेंगे, यहाँ अब 90 डिग्री ऐसा रहेगा ऊपर, यहाँ 90 डिग्री वाला, ये है 90 डिग्री और ये 45 डिग्री से, ये 45 और ये 45। मान लीजिए राइट रे सीधी आ रही है तो क्या होगी, ये रेयरर से डेंसर में आएगी,
देन जब ये डेविएट होगी तो 45 डिग्री से ही डेविएट होगी ये, तो ये जो है आपका ऐसा डेविएशन हो रहा है, ये 90 डिग्री है ओके, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो है आपका ऐसा ही रहेगा, तो उसी डायरेक्शन में ये डेविएट हो जाएगी। तो 45 डिग्री से अगर ऐसा डेविएट हो रही है देन इट इज़ 45 डिग्री। तो अब देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हुआ दैट मीन्स क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, आई इज़ ग्रेटर देन आई सी, तब क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टी आई आर होगा, तो टी आई आर जब होगा तो क्या होगा, फिर से 45 डिग्री से ये ऐसा टर्न हो जाएगी इधर, एग्जैक्टली 45 डिग्री ओके। तो ये 45 डिग्री से टर्न हुई, अब यहाँ जाने के बाद जब आप देखेंगे नॉर्मल है ये, तो क्या होगी, डेंसर से रेयरर में देन अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ऐसे सीधी चली जाएगी। अगर हम दो रे लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उससे मिनिमम दो रेज हमको चाहिए, तो सेकेंड रे भी अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये इधर हो जाएगी ऐसे, एंड देन उसके बाद ये इधर जाएगी और फिर ये ऐसे। तो ये अगर 1, 2 है कोई भी, जनरली ये इन्वर्टेड इमेज को, ऑब्जेक्ट को उल्टा, ऑब्जेक्ट को सीधा करता है। तो अगर हम इसको ऐसे लेते हैं कि ये लाइट रे 1 है, ये 2, तो देखेंगे ये 1, ये 1 हुई और यहाँ पे 2 हुई, तो क्या हो जा रही है, उल्टी हो जा रही है, 1 की तरफ आई ये ऐसा, तो ये आपको ऐसे सीधी दिखाई देगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि उल्टा है तो वो क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा बाय यूजिंग प्रिज्म, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ऐसा अगर हम इंसिडेंट करते हैं तब ओके। तो आपको क्या करना है, इसको सेम वैसे ही दोनों प्रिज्म के लिए नॉर्मल अगर आप यहाँ भी ड्रॉ करेंगे देन क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जब ये टेंसर से रेयरर में जाएगी ओके। तो दो बार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड देन उसके बाद टेंसर से रेयरर में जब जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो आप सेम समझा देंगे वैसे ही, आप ए बी सी तीन सरफेस ले लीजिए, ये तो ए बी सरफेस पे जब लाइट रे इंसिडेंट होती है देन 45 डिग्री से क्या हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, देयरफॉर क्या हो रही है, ये किधर डेविएट हो रही है, 45 एंगल जो है इंसिडेंस पे बी सी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो 45 एंगल विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद जब लाइट रे ए सी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो डेंसर से रेयर में जा रही है इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये लाइट रे जो है सीधी चली जाएगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऑब्जेक्ट से दो रेज लेते हैं तभी हमको कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा 1, 2 है जो कि उल्टा है, तो हमको इसकी सीधी इमेज दिखाई देगी इस साइड, तो इसी को हम बोलते हैं इरेक्टिंग प्रिज्म की तरह यूज़ करना। हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, तो अगर आपका न्यूमेरिकल आता है उस पर बेस तो कुछ भी दे सकता है, एंगल जो है 60-30 के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया है क्वेश्चन में कि एक एंगल जो है ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है यहाँ से, कैसे भी यहाँ से भी हो सकता है, अगर नॉर्मल है तो ये सीधी चली जाएगी। अब ये 90 डिग्री है तो ये बाकी बचा एंगल 30 डिग्री हुआ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंट एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जब ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये बाकी का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 60, विच इज़ ग्रेटर देन 42। तो अब जब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, फिर ये 60 डिग्री से ही ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया, अब जब यहाँ आएगा तो फिर से देखिए ये 60, तो बाकी बचा एंगल 30 डिग्री, ये 30 है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो इतना एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। अब जब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो है आपका पूरा 90 डिग्री, उसमें से इतना आप माइनस कर दीजिए 90, ये पूरा 120 है, तो 120 में ये 90 माइनस हुआ तो फिर कितना बचा, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना हो रहा है, नॉर्मल से ही हम ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो कि क्या है, 40 डिग्री से कम है, तो क्या होगी, जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट रे जो है ऐसे ना जाके नॉर्मल से दूर चले जाएगी ओके। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, अगर आपका यहाँ 30 कर दे यहाँ 60 तो अलग आएगा,
तो देखेंगे फिर से एक बार समझेंगे। मान लीजिए नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है कौन से सरफेस पे, आपका ए बी सरफेस पे, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट हुई और यहाँ जब स्ट्राइक करेगी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये 60 डिग्री ये 90, तो बचा हुआ एंगल 30 डिग्री। अब ये पूरा 90 डिग्री है तो इतना 60 हुआ। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जो भी एंगल होगा, तो 60 डिग्री हो रहा है तो क्या हुआ, 60 डिग्री मतलब 42 से ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्ट होगी तो 60 डिग्री से ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 60, तो बाकी बचा हुआ एंगल 30 डिग्री हुआ। जब यहाँ स्ट्राइक करी तो हमको ये एंगल पता करना है कि यहाँ इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, तो पूरा बचा हुआ एंगल इस 120 डिग्री। अब जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसमें से 90 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एंगल 30 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, इट इज लेस देन 42 डिग्री, तब क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तब क्या होगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी देन अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसी को अगर हम थोड़ा उल्टा बना दें, मीन्स अगर हम ऊपर 30 डिग्री कर दें नीचे 60 डिग्री, तो अलग आ जाएगा। ठीक है, ये अगर हम 30 डिग्री करते हैं और इधर 60 डिग्री और ऐसे ही इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री, ये कितना हुआ 60 डिग्री। अब यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करिए तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स लेस देन 42 डिग्री। तब क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट रे है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में चली जाएगी। तो डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, कोई इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेम वैसे अगर हम मान लीजिए 45 वाले 60-60 वाले लेते हैं, अगर ऐसे ये 60 है, ये भी 60 डिग्री है और ये 60 है, और लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं, तब मान लीजिए नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, कैसा भी ले सकते हैं, तब क्या होगी, यहाँ से सीधी चली जाएगी ऐसे बिना डेविएट हुए, तब जब ये ऐसे जाएगी तब अब हमको पता करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, देन ये कितना बचा 30 डिग्री, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स ग्रेटर देन 42 डिग्री, तब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये 60 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ बचा 30 डिग्री, ये 60, ये 30, ये 90 डिग्री, तब क्या हुआ 90 डिग्री से है तभी बाहर वैसे ही निकल जाएगी, बिना डेविएट हुए बाहर चली जाएगी। ओके, तो को कुछ भी टाइप से क्वेश्चन अगर दे देता है कोई भी आपका एंगल बना करके, तो आपको सिर्फ निकालना रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, उसी के बेसिस पे या तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन मीन्स डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना। ओके, तो ये हमारा क्या था, जो प्रिज्म है राइट एंगल प्रिज्म, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, उसके एप्लीकेशंस थे। किसमें हम यूज़ करेंगे इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ना उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर, तो सेकंड है ये ऑप्टिकल फाइबर। ओके, प्रकाशी तंतु, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें जनरली क्या होता है, जो लाइट है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जहाँ पे अभी तक करंट हमने पढ़ा है कि करंट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो लाइट रे है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी, सीधी डायरेक्शन में जाती है, लेकिन हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करके, इस फिनोमिना का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो लाइट रे है उसको सर्कुलर पाथ में, वक्रीय पथ पाथ पे, मीन्स वैसे चक्र में, जिगजैग पाथ में हम रोटेट कराएंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो लाइट रे है जितनी परसेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया है कि ये मिरर के रिफ्लेक्शन से अलग होता है, जो लाइट रे है जितना इंसिडेंट होगी, 100% इंसिडेंट हो रही तो 100% टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। तो जो लाइट रे है उसका बिना कोई लॉस हुए हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ओके, तो अब इसकी जो मेन है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रकाशी तंतु का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और इसकी जो, हमेशा याद रखें कि बहुत कम लॉस होता है ना, अबाउट 3-4% सिर्फ लॉस होता है, बाकी जो है पूरी की पूरी लाइट रे जिगजैग पाथ में अगर मूव करती है तो आपको 100% जो
आपका जहाँ रिसीव करेंगे, जनरली ये कहाँ यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको हम लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो जब हम भेजेंगे 100% लाइट जो है, तो जब हम रिसीव करेंगे तो 100%, ज़्यादा ज़्यादा 1-2% ही लॉस होगी, बाकी हमको 100% ही जनरली मिलती है, 99-98% आपको मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। सबसे मेन जो है हमने क्या बोला, ट्रांसमिशन में मीन्स कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। किस फॉर्म में रहेगा, सेम प्रकाश सिग्नल्स रहेंगे, जो लाइट सिग्नल्स हैं उनको हम कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको हम लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करके सेंड या करने या फिर रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन जो बॉडी में कुछ अंदर हमको, अगर सपोज़ आई का हमको ऑपरेशन कराना, तो हम लेज़र के थ्रू ऑपरेशन कराते हैं। तो लेज़र जो है वो किससे पास होता है, उसको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू या पास करके बॉडी के अंदर भी हम किसी भी टाइप का डायग्नोसिस करना होता है उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बॉडी के आंतरिक भाग में भी हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। एंड देन हमने क्या बोला कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम लेज़र को ट्रांसमिट करेंगे, जो कि हम जनरली ऑपरेशन या टेस्ट करने के लिए, बॉडी का के अंदर टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेन चार एप्लीकेशंस हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमने बोला कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है ये डिवाइस। तो हम इसमें जो होता है, क्या होता है कि बहुत पतले पतले क्वार्ट्ज कांच के ये रेशे होते हैं, ऐसे रेशे होते हैं, और क्या होते हैं, बंडल्स के फॉर्म में होता है फाइबर जो है। तो हज़ारों के फॉर्म में, हज़ारों के नंबर्स में रहेंगे ये फाइबर्स, ओके। तो क्या होता है, एक फाइबर का जो विड्थ है मीन्स मोटाई जो है वो बहुत कम होती है, इट इज़ 10^-4, एक बाल की तरह, हमारा जो हेयर है ह्यूमन हेयर के जैसा पतला होता है ये, ओके। और ऐसे बहुत सारे हम हज़ारों के नंबर्स में ले करके पूरा एक बंडल बनाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बंडल बोलते हैं जिसको, फाइबर बंडल, ओके। जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट कराएंगे किसको, जो डाटा होगा वो लाइट के फॉर्म में हमारा ट्रांसमिट करेगा। तो ये क्या है, हजारों के फॉर्म में होंगे, रेशे होते हैं पतले क्वार्ट्ज कांच के, कांच के रेशे, रेशे होते हैं हजारों नंबर्स में होते हैं, एक नहीं बहुत सारे, जिनकी एक की जो है विड्थ, हमने क्या बोला, जो मोटाई है वो कितनी होगी, 10^-4 सेंटीमीटर, इतनी कम। और हम क्या करेंगे, जो भी फाइबर रहेगा उसके चारों तरफ, जो हमारा एक्चुअली स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये है ऑप्टिकल फाइबर, तो इसकी तीन लेयर्स होती हैं। इसके बाहर जो है हम क्या करेंगे, जो भी अंदर है, अंदर वाले को हम जनरली कोर बोलते हैं, और जो बाहर है उसको क्लैडिंग बोलेंगे। तो जो क्लैडिंग है ये आपका, ये क्या रहती है, ये कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, मतलब हमारा जो ग्लास है वो अगर कुछ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाहर की तरफ हम पतली सी कोडिंग कर देते हैं। तब क्या होगा, अगर लाइट रे, ये कोर है अंदर, बोल रहे हैं कोडिंग, और उसके बाद एक शीथ रहती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जब लाइट रे अगर इंसिडेंट होती है एक पर्टिकुलर एंगल पे, यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, और अगर इसकी वैल्यू IC से बड़ी हो गई, क्रिटिकल एंगल से बड़ी हुई, तो क्या हुआ, ये डेंसर है एंड ये रेयरर है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, तब क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये बहुत लंबा सा अगर हम लेते हैं, तब ऐसा ये हमारा क्लैडिंग है बाहर का, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली सरफेस, एंड देन इसके बाद अंदर जो है वो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ऐसा, एंड देन फिर अगेन यहाँ पे फिर से वैसी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई इज़ ग्रेटर देन IC रहेगा, तब ये फिर ऐसी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर ये ऐसा zigzag पाथ बना करके ट्रांसमिट होती है, ओके। तो ये हमारा पूरा एक फाइबर है जिसमें हमने क्या किया है, कोटिंग की है, क्लैडिंग जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है, ओके। तो ये है, तो जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, जिग जैग पाथ बना करके जब जाएगी, तो बिना किसी लॉस के आपको एंड पे उतनी ही लाइट जो है उसका पावर मिलेगा। तो ये जो एंगल रहेगा आई के ही बराबर होगा, सेम वहाँ भी ऐसी आई इज़ ग्रेटर देन IC, देन ये आई के बराबर ही रिफ्लेक्ट होगी। तो
तो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारी इंसिडेंट रे है जो कि कहाँ से एयर से जब यहाँ आती है तो थोड़ी सी रेडिएट होती है रेयरर से डेंसर में देन टूवर्ड्स नॉर्मल। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं ऐसा। तो ये हमारा जिगजैग पाथ में जो है लाइट रे ट्रैवल होगी और बिना किसी लॉस के दूसरे एंड पे हमको उतनी ही लाइट रे मिलेगी। तो एक प्रकाशी तंतु में हजारों लंबे और पतले क्वार्ट्ज कांच के लगभग 10^-4 सेंटीमीटर की मोटाई के रेशे होते हैं और तंतु के चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक के पदार्थ की पतली परत हम लगा देते हैं जिससे जो लाइट रे है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके और जो लाइट रे है वो वक्रीय पाथ में वक्रीय चक्र में इसको वक्रीय मार्ग में ट्रैवल कर सके। ओके, इसके यूजेस हमने बताया क्या क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या है लिख लेते हैं। प्रकाशी तंतु के उपयोग, क्या यूजेस है? तो सबसे पहले हमने क्या बोला, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में। ओके, दूर संचार में। देन सेकंड जो है हम क्या करेंगे, विद्युत विद्युत सिग्नल्स को, विद्युत में से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सिग्नल्स को लाइट सिग्नल में सिग्नल्स में क्या करेंगे, बदल कर सेंड और रिसीव करने में। थर्ड जो है हमने क्या बोला, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, परीक्षण करने में। ओके, नाउ जो फोर्थ है हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लेजर रे को हम भेजने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, रिमेन जो है इसके चार एप्लीकेशन हैं किसके, फाइबर ऑप्टिक्स के, क्लियर है, लेजर रेज को भेजने में। तो पहला क्या है, प्रकाश सिग्नल्स को के दूर संचार में लाइट रेज जो है उसको हम कम्युनिकेशन में यूज करेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंड और रिसीव करने के लिए। ओके, देन मनुष्य के शरीर में क्या होगा कि आंतरिक भागों का, बॉडी के अंदर के पार्ट्स को हम चेक करने के लिए, टेस्ट के लिए हम भी यूज करते हैं, देन शरीर के अंदर लेजर रेस को भेजने में। ओके, बॉडी के अंदर अगर हमको लेजर रे भेजनी है तो भी हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही भेजेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे लेंस, दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।